हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भावना की रसोई में। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम दीपावली स्पेशल बनाने वाले हैं बालूशाही। तो हम स्टार्ट करते हैं बालूशाही बनाना। ये हमने 3 कटोरी में मैदा लेना है। जिस भी कटोरी से आप ले वो 3 कटोरी मैदा लेना है। जिससे आपने मैदा लिया है उसी कटोरी के नाम से आपको घी लेना है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, सॉल्ट चुटकी, इससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। 1 स्पून कर्ड, सिंपल कर्ड, खट्टा वाला दही नहीं लेना है। इसको हम हल्के हाथों से मिलाएंगे। मैं हल्के हल्के हाथों से मिला रहा इसको। अभी मैंने अच्छे हल्के हाथों से इसको मिला लिया है। इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मलेंगे। इसको हमको पूरी की तरह नहीं मलना है, पानी हमारा इतना ही लग रहा है इसमें। 3 से 4 स्पून लगा है पानी हमारा। इसको हमको बहुत गीला नहीं करना है, सबको एक साथ समेट लेंगे। अभी हमारा आटा मल गया है और हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। ये 1 कप पानी लिया है हमने, 4 कटोरी इसकी हम शुगर डाल देंगे। ये हमारी अब शक्कर घुलना स्टार्ट हो गई है और इसको हमको पतली चाशनी नहीं बनाना है, इसको थोड़ी गाढ़ी रखनी है चाशनी। अगर हम पतली चाशनी बनाएंगे तो हमारी बालूशाही सॉफ्ट हो जाएगी, और हम बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बनाएंगे तो ऊपर से चाशनी बालूशाही में चिपक जाएगी। तो हमको ना ज़्यादा हार्ड बनानी है ना ज़्यादा सॉफ्ट चाशनी बनानी है। हम इसको देख लेते हैं कि हमारी चाशनी तैयार हो गई है। ये हम इसको टपकाएंगे तो ये एक ड्रॉप्स की तरह जाएगी। ये हमारी चाशनी तैयार हो गई, ड्रॉप्स की तरह जा रही है। अब ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब इसको ठंडी होने के लिए रख देते हैं। ये आटे को हमने ढक के रखा था 10 मिनट के लिए। देख लेते हैं, ये हमारा आटा सॉफ्ट भी हो गया है। इसको हमको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बहुत चिकना नहीं करना है इसको। और इसमें हमको एक होल कर देंगे जिससे हमारी होल करने से हमारी चाशनी अंदर तक जा पाएगी। डिपेंड करता है, आपको छोटी बनानी है तो आप छोटी बना लो, बड़ी बनानी है बड़ी बना लो, आपको जैसा पेड़े का साइज लेना वो आप ले सकते हैं। ये हमारे रेडी हो गए हैं बालूशाही वाले पेड़े। हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है, ये गर्म हो गया है। हम इसको एक एक करके बालूशाही लगाएंगे। हमको स्लो फ्लेम में ही डालना है। आप इसको ऑयल में भी सेक सकते हैं, लेकिन मॉल डालते समय आप घी का ही यूज़ करें। इसको हमको स्लो फ्लेम में ही रखना है। इसको हमको बार बार पलटना भी नहीं है। जितना हम स्लो फ्लेम में सेकेंगे वो अंदर से उतनी अच्छी सेकेगी। ये हमारी हल्की हल्की ब्राउन हो गई है, हम इसको पलट देते हैं। हमने इनको एक भी बार नहीं पलटा है। जब आप चेक कर लें कि ब्राउन हो रही है तब इनको पलट करें, क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट है, आप बार बार पलटेंगे तो ये टूट जाएगी। आप इसको चेक कर लें कि ब्राउन हो गई है तो आप इसको पलट दें। इसको हम दूसरी साइड से और सेक लेंगे। ये हमारी एकदम क्रिस्पी हो गई है। हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। एक एक पर दिख रही है इसमें। हमने इसको आटे को बहुत अच्छे से सॉफ्ट नहीं किया था, मला नहीं था, क्रिस्पी भी हो गई है। इसको जब हम चाशनी में डालेंगे तो चाशनी हल्की गुनगुनी होनी चाहिए, गर्म चाशनी में, और ठंडी चाशनी में नहीं डालना है इसको। ये हमारी चाशनी गुनगुनी है, हम इसको डाल देंगे इसके। ये हम 10 मिनट के लिए इसको चाशनी में डाल के रखेंगे, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। इसमें हमने होल भी किया था तो अच्छे से चाशनी इसमें इसको पी लेंगे। ये हमारी तैयार हो गई है बालूशाही Indian sweets.